देखिए कितनी अच्छी वाली बारिश हो रही है फिर से हमारे यहाँ, और सब यहाँ गिरी है फिर से जो है एक ज़बरदस्त सा बारिश वाला ब्लॉग हम शूट करने लगे हैं। जब जब हम बारिश का ब्लॉग शूट करेंगे तो सबीहा आपकी याद में, आपकी मोहब्बत में, आपकी फरमाइश में। तो देखिए बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है और तेज़ बारिश हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत बरस रही है। और इतनी शदीद उमस हो रही थी कि इस बारिश का बरसना बहुत लाजमी था, ना बरसता तो हम इंसान ऐसे ही तड़पते गर्मी की शिद्दत से। आज फिर से बारिशों ने जो है साजिश कर दी है बादलों के साथ बरसने की। बादल और बारिश दोनों ने कहा चलो मिलकर साजिश करते हैं और खूबसूरत सी हम दोनों बारिश करते हैं। हाँ देखिए एक वहाँ पर परिंदा बैठा है, ये बारिश से बचने के लिए। बहुत तेज़ बारिश हो रही, साथ में जो है हवा भी बहुत तेज़ है। अस्सलामुअलैकुम, फिर से एक बार ज़बरदस्त सी बारिश का ब्लॉग लेकर के आपके रूबरू हाजिर हो गए हैं। तो चलिए मेरे ब्लॉग को, बारिश वाले ब्लॉग को इंजॉय करिए। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़, और बारिश की जो बूंदें हैं वो इधर ही आ रही हैं, मुझे भिगो रही हैं, कह रही हैं नहा लो नहा लो, यानी कशिश को अपनी कशिश की तरफ खींच रही हैं। और भला ऐसे कैसे हो सकता है कि, लेकिन हो सकता है क्योंकि चुंबक को चुंबक ही खींचता है, तो कशिश को बारिश की कशिश खींच ही लाती है। और हम आधे पूरे भीग चुके हैं, यानी नीचे से जो शलवार है और हाफ जम्पर है, इधर वाली स्कीन है, सारी जो है भीग चुकी है बुरी तरह से। देखिए ये बारिश कितनी देर तक होती है कि नहीं। तो जहाँ से ब्लॉग ख़त्म किया था उसी जगह से स्टार्ट किया, बस अभी बिरयानी खाकर उठे हैं और बिरयानी खा करके भी उठे हैं, और बहुत मस्त बिरयानी भी, बहुत मस्त। तो हवा जो है बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है। मेरा दिल करता है कि खूब नहाऊं बारिश में। जो बारिश का पानी होता है जब ऊपर से गिरता है तो जो आवाज़ होती है उसमें भी एक जो है क्या कहते हैं म्यूज़िक होता है, एक साज़ होता है। सबके बस की बात नहीं इस साज़ को समझना कि बारिश का पानी, बारिश की आवाज़ क्या कह रहा है, क्या कह रही है, आई मीन। और जुमे का दिन है, लोग कई लोगों ने दुआएं भी की होंगी कि अल्लाह पाक पानी बरस जाए, इतनी उमस हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। सबिया तो खुश हो गई होंगी ना बारिश को देख करके, है ना सबिया, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हिबा सबसे पहले आकर कहेंगी कि अम्मी ने जो है आपको जो है शुक्रिया बोला है और अम्मी को बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले जब बारिश होती है ना तो सबसे पहला काम होता है लाइट का जाना, तो लाइट जो है वो चली गई है और अब कब आएगी अल्लाह जाने। आपका पोता कहाँ है, गया, कब आएगा बताइएगा हमको फोन करके, फोन करके हमको बताइएगा, ठीक है। भाभी भी हैं और साथ में न्यू यूट्यूबर भी हैं वो, तो वहाँ से जो है इशारा कर रही थी कि मुझे भी जो है अपने ब्लॉग में ले लो, तो बस हमने उनको अपने ब्लॉग में ले लिया है, आपसे मिलवा दिया है। और कसम अल्लाह की बारिश इतनी अच्छी लगती है मुझे, जो बारिश होने की खुशी होती है ना मेरे चेहरे पे देख सकते हो, है ना ऐसा है, काश उम्र होती तो हम। सुना आप लोगों ने, मुझे बिजली से बहुत डर लगती है, और कितनी तेज कड़की बिजली, कितनी तेज, बाप रे बाप, बहुत तेज। ये जो जब बादल गरजते हैं इस तरह से, वो बिजली चमकती है ना, बस हार्ट फेल नहीं हुआ,
सुना राजा की तेज आवाज थी, लगा जैसे कहीं बम ब्लास्ट हो गया। बाप रे बाप, अभी तक मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई है बहुत तेज। तो जनाब, बारिश हो और बारिश के पकवान ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पकोड़े शकोड़े बहुत हो गए थे और मेरे किचन में जो है मौजूद थे भुट्टे। तो ये भुट्टे जो है हमें अपनी तरफ जो है खींच रहे थे कि बारिश हो रही है, मुझे भी भून करके खाओ, नमक और नींबू लगा करके। तो बस फटाफट से जो है भुट्टा भूनने लगे थे। और अलमिया जो होते हैं ना, बहुत बड़े प्लानर होते हैं और उन्हें मालूम है कब बारिश करनी है, कब गर्मी लानी है, कब जाड़ा आना है, और भी चीज़ों की सारी प्लानिंग जो है अल्लाह पाक ही करते हैं। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, हमने भुट्टे जो है भूनने के लिए रख दिए। अगर ये कोयले की आंच पर जो है भूने जाएं तो इनका जो मज़ा होता है ना वो दोबाला हो जाता है। तो बस इसे जो है भून करके ये काला नमक और नींबू लगा करके ना ज़बरदस्त सा जो जायका आना है, बस आप इमेजिन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है भुट्टे मेरे भून के तैयार हैं, बस एक भुट्टा पापा को भेज देंगे नीचे और एक भुट्टा हम जो है एंजॉय कर लेंगे। और इनमें से भी जो है क्या कहते हैं, बट ही जाना है, अकेले नहीं खाना है। तो इसमें से राजा ने ले लिया था। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो उनके उनका बेटा जो है शाहजेब और सामने जिनका मकान खाली हो रहा है महाद, वो भी थे। तो उनकी भी ब्लॉगिंग आप इंजॉय करिए। ये थप्पो हमारे हमने रुके से बनाया। और हेलो कशिश इंडियन ब्लॉगर फैन, तो अब हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। पिछले हम लोग मिले थे, अब याद हुआ मेरे ब्लॉग पर चल रहे हैं, मेरे जो 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 मेरे भी चल रहे हैं, मेरे साथ कुछ के हैं। और आज आज अम्मा का एनिवर्सरी है, आज अम्मा का एनिवर्सरी है, तो चल रहे हैं। मैं 10 साल का हूँ, 12 साल हो गए, 11 साल हुए, 12 साल हुए, और क्या बात, 12 साल हो गए यार, बड़ा सही लग रहा। अरे इसके वजह से लग गया, इसके मतलब इसको कितने फोबिया होते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। कभी ये फोबिया लगता है थोड़ा अच्छा, हाँ ऐसा सनग्लास है तो यहाँ पे है डिजाइनर, ये है कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर, और ये हेलो कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर, हम जल्दी चल के देख रहे हैं। और यहाँ पे है कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर, उसको तो ले लो, उसने अपना वो है। हेलो हाय, ओ अरे यार यार मतलब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक मिनट पूछ, एक मिनट। तो गाइस अब हम जा रहे हैं छत पे। तो ये है ऐसे व्लॉग, मैं हूं वहां व्लॉगर और कशिश। तुम्हारा भाई किधर है? वो कहीं स्कूल गया है, उसको घूम नहीं है, नहीं छुट्टी है। अच्छे से बनाओ ज्यादा सब लोग। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे हैं, मैं अपना घर आपको दिखाऊं। रुकिए, ये शादेव का घर, ये देखो दी मेरा घर है, ये इनका घर है, यहाँ से बहुत पास है। हम लोग आपको एक चीज दिखाने चाहते हैं। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ लखनऊ में। बहुत दुख की बात है, फुप्पू भी बहुत रुआसी हो गई थी। हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अब, क्योंकि दिमाग बहुत हो चुकी है। क्या हुआ था भाई, मतलब इतनी दीमक इतनी हो गई है, बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा दीमक हो गई है। तो छुटवाओ ना। अरे ऐसे जो छुटवाने आते हैं दीमक को, वो गए खुद कि ये जब घर खाली हो पाएगा तभी यहाँ से दीमक जाएगी, क्योंकि दीमक जो है दीवारों के अंदर है। अच्छा, बारिश से हुआ है ना? बारिश से नहीं, बारिश से थोड़ी ना है, दीमक इतनी हो गई। हम लोग प्लान तो ये था मैं अगले साल जाऊंगा, लेकिन इतनी दीमक हो गई मेरे को इसी साल अब 7-10 को जाना पड़ेगा। वो जानते हो क्या है, कितना ज्यादा व्यू अच्छा मिलता है यहाँ पे, पकड़ लेते हाँ लाला, बात भी नहीं करता था किसी से। हाँ जी, और ये आप लोगों को लग रहा होगा, अरे नहीं फोटो में लग रहा है जैसे कि नॉर्मल ही, लेकिन ये मैंने ऐसा डिजाइन लिया है, कैसा लगता है? मार मार ब्लॉगर, बिल्ली है, मियाओ कहाँ पकड़ो भाई, बिल्ली है। इधर देखिए देखिए, मेरी खूबसूरत सहेली मिलने आई हमसे।
तब हमको जियो फाइबर खोलना पड़ेगा, फिर पासवर्ड देखना पड़ेगा, तब कर पाएंगे। अरे उससे करो ना, स्कैनर से। स्कैनर नहीं होंगे भाई साहब, भाई साहब क्या भैया तुम लोग। पूरा दिन जो है ऐसे ही गुजर गया और माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। मेरी फ्रेंड भी आ गई, इनको हम कब से बुला रहे थे, और ये फर्स्ट टाइम ऊपर वाले रूम में आई थी, वरना नीचे तो आ ही गई थी एक बार। और छोटी छोटी खुशियों पे खुश हो लिया करिए, यही ज़िंदगी है। और जो छोटी छोटी बातों पे खुश होना नहीं जानते हैं तो ये भी नहुसत होती है जो अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ज़िंदगी में जो भी छोटी मोटी बातें खुशी की हों उन्हें सेलिब्रेट किया करिए, इंजॉय किया करिए। और ज़िंदगी तो चार दिन की है और ऐसी गुजर जानी है। तो ज़िया भी जो है अपनी पूछो और शेरा के साथ जो है मगन है, और आज आपने शेरा से भी मुलाकात कर ली। तो यूँ जो है क्या कहते, पूरा दिन गुजर गया और अब है डिनर का टाइम, जिसमें बनाया था हमने लौकी की सब्ज़ी और रोटी। तो अब इसे हम जो है इंजॉय करेंगे और ब्लॉग को भी ख़त्म करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।